हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोडे फ्रॉम एम्स नागपुर। तो अभी नीट के लिए थोड़ा सा समय बचा है, 50-55 दिन बाकी है। तो सभी स्टूडेंट्स इसी वक्त फिजिक्स की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि हम फिजिक्स का प्रिपरेशन ना करें और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने भी ये गलती की थी 2019 में। तो इसी सोच की वजह से मेरा उस टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि आप 30 या 40 मार्क्स स्कोर करते हो अभी, तो 50 या 45 दिन में आप 120 या 130 स्कोर कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है कि हाँ, आप कर सकते हैं। बट इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा ज़्यादा आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो मैं स्टेप्स बता दूंगा कि आपको ये करना है, वो करना है, बट अल्टीमेटली वो सारा आपको ही करना है। और मेरे ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप 100 से कम स्कोर कर पाओगे। कोई कोई स्टूडेंट्स तो 120, 130, 140 तक भी जा सकता है। 30 या 40 स्कोर अभी आता है। तो ये स्टेप्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं सबको बताता हूँ। तो आज आपको भी बताने वाला हूँ कि ये स्टेप्स फॉलो करो फिजिक्स के लिए, तो आपका फिजिक्स थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। और इतना भी टफ नहीं है कि आपको जितना टफ लगता है ना, फिजिक्स इतना भी टफ नहीं है। तो आप डेडिकेशन के साथ ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आप घर पे हो, सेफ हो, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट सेक्शन में हर बार की तरह ज़रूर बताना। आप बहुत अच्छा रिस्पांस करते हो, इसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो अभी सारी कोचिंग्स ऑनलाइन ही चालू है, तो आप सर्च कर रहे होंगे कि कौन सी ऑनलाइन कोचिंग लगाए, कौन सी नहीं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग का तो अभी ज़माना ही नहीं रहा। अभी तो कोविड की वजह से सारी कोचिंग ऑनलाइन ही हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोचिंग के लिए, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो आप अनअकैडमी का नया बैच भी आ चुका है नीट 2021 फाइनल रिवीजन के लिए, स्पार्क बैच। अच्छा बैच है और वेल क्वालिफाइड टीचर्स है। स्पार्क बैच से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा नीट 2021 के लिए। अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की हो तो आप अनअकैडमी का स्पार्क बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नीट 2022 एस्पायरेंट हो या नीट 2023 एस्पायरेंट हो और अभी तक आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो आप 2022 वाले स्टूडेंट्स श्रेष्ठा बैच ज्वाइन कर सकते हैं और नीट 2023 वाले नर्चर बैच। अनअकैडमी पे टीचर्स तो अच्छे है ही, बट उनके ब्रांडेड नोट्स भी अवेलेबल है, बट वो अवेलेबल है सिर्फ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्राइबर को। ओके, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके उनके ब्रांडेड नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरा कोड महेश650 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इस समय तो नीट यूजी का बम्पर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप नीट 2021 के स्टूडेंट हैं और आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप नीट 2022 के एस्पायरेंट है तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ फ्री मिलेगा। अगर आप 2023 के एस्पायरेंट है तो 24 मंथ पे 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन अच्छा लग रहा है बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो अनअकैडमी ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला है। तो अनअकैडमी के पास लोन सिस्टम भी अवेलेबल है, आप बाद में उस सब्सक्रिप्शन को पे कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो भी स्कीम बताई है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट करना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको फिजिक्स के लिए 0 से 130 या 140 तक कैसे बढ़ना है, तो इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहली स्टेप है उसमें कि आपको एक लिस्ट बनानी है, नहीं आपको 2 लिस्ट बनानी है। आपको पहले लिस्ट ऐसी बनानी है कि आपके जो जो वीक टॉपिक्स है, तो आपको उसमें अपने वीक टॉपिक्स सारे लिखने हैं। तो आपको ये वीक टॉपिक्स आपके कौन से, कैसे पता चलेगा? अब तक आपने जो जो किया है, जो टेस्ट सीरीज सॉल्व की है, अब तक आपने जो क्वेश्चंस लगाए, मॉक टेस्ट दिए, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि फिजिक्स में मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता। तो आपको उस हिसाब से आपकी एक वीक लिस्ट बनानी है। और आपको एक दूसरी ऐसी लिस्ट बनानी है कि ऐसे टॉपिक्स लिखने हैं उसमें कि जो टॉपिक्स नीट में बहुत सारे मतलब वेटेज वाले टॉपिक हो, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स बहुत वेटेज का टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स, तो आपको ऐसे टॉपिक्स लिखने हैं। तो वो लिस्ट आपको गूगल से या कहीं से भी मिल जाएगी कि वेटेज वाले टॉपिक्स कौन से, तो आपको दूसरी लिस्ट उसकी बनानी है। आपको अब क्या करना है कि आपको ये 2 लिस्ट में से ऐसे टॉपिक्स चुनने हैं जो आपके कॉमन हो, मतलब आपको ऐसा टॉपिक्स चुनना है आपका जो वीक भी टॉपिक हो और जो ज़्यादा वेटेज का भी हो, मतलब आपने जो 2 लिस्ट बनाई है उसमें वो टॉपिक कॉमन हो।
तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि आपको टॉपिक कैसे अच्छे से करना है, जो वीक टॉपिक है और जो ज़्यादा वेटेज का भी है। तो मैं इसके लिए आपको फिर से 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो आपको इसका क्या करना है, सबसे पहले जो आपका वीक टॉपिक है उसके थोड़े से मतलब बेस अच्छा करना होगा, क्योंकि बेसिक्स पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूलेज अच्छे से आप कहीं पे लिख लो, या कहीं पे भी फॉर्मूलेज अवेलेबल होते हैं, आप एनसीईआरटी बुक भी खोल सकते हो या किसी रेफरेंस बुक में फॉर्मूले इजी से मिल जाएंगे। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से कलेक्ट करने, और आपको फॉर्मूले अच्छे से रटने, मतलब ऐसे रटने कि आपको वो 40 या 45 दिन याद रहे। तो पहली स्टेप ये, आपने सिर्फ फिजिक्स में फॉर्मूले भी किए ना, तो आपको 70, 80, 90 तक स्कोर आ सकता है इजी से। किसी भी टॉपर से पूछ लो कि आपको इतना स्कोर आ सकता है कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूले पे या 50% क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही बनते। तो ये स्टेप फॉलो करना। फिर बात दूसरी स्टेप ये कि आपको कंसेप्ट अच्छे से करने। तो आपको टाइम अभी नहीं है कि आप एक आधी बुक लेके बैठे हो और आपको अच्छे से कंसेप्ट करने हैं। तो आप क्या करिए कि आप कोई सा वीडियो लेक्चर करिए, क्रैश कोर्स करिए, कि आप मतलब टीचर ऐसा होता है ना कि लास्ट के दिनों में टीचर ऐसा पढ़ाता है कि जो ज्यादातर बार आता ही हो एग्जाम में, वो पॉइंट या वो कंसेप्ट ज्यादातर बार आती ही हो, तो उस पर टीचर ज्यादा फोकस करता है। तो इसकी वजह से आप क्रैश कोर्स या किसी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या मैंने बताया पिछले इसमें कि आप स्पार्क बैच भी ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए। तो उसमें से आपको आपकी अच्छे से कंसेप्चुअल रिवीजन हो जाएगी। अब तीसरा स्टेप ये है कि आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले अच्छे से पता है या नहीं, इसको देखने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर भी मतलब 32 या 33 ईयर्स की करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 15, या मेरा मानना है कि आपको बहुत कम टाइम है, आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी स्टडी करनी है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर जो नीट में आए या 2010 के आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए तो सिर्फ वही कर लो, क्योंकि वही सफिशियंट होगा आपके लिए, टाइम भी कम है और आपको इससे ज़्यादा फायदा भी होगा। 120 या 130 तक स्कोर ला सकते हो। आप ये 3 स्टेप अच्छे से फॉलो करना और मुझे बताना कि ये 3 स्टेप्स कैसे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ थोड़ी सी ज्ञान की बातें बताना चाहूँगा। अभी कम टाइम है तो आप थोड़ा सा टाइम पास कम ही कीजिए। आप जो फ्रेंड्स ऐसे हैं कि वो पढ़ाई भी नहीं करते और दूसरों को डिस्टर्ब करते, तो उनसे थोड़ी 10 गज या 2 गज की दूरी बनाइए रखे, और आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, और घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि ये पैंडेमिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। और आप मतलब ये पोस्ट कॉन्वेंट का जो चल रहा है अभी, तो उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए, नीट जब होगी तब होगी, क्योंकि आप टेंशन मत लीजिए ये नीट कब होगी, ये सोचने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको पेमेंट इसी बात की मिलती है कि नीट कब होनी है, कैसे होनी है। तो आप इस पे ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, आपका ज्ञान आपके पास ही रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।